नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस मेडिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सायरप के बारे में जिनका यूज़ कॉमनली किया जाता है, और दोस्तों इन सायरप का यूज़ क्यों किया जाता है, किन कंडीशन में इन सायरप का यूज़ किया जाता है, आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, फार्मा से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले सायरप हमारी कॉम्बिफ्लेम। दोस्तों, कॉम्बिफ्लेम सायरप दो दबाओं से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर दोस्तों आइबुप्रोफेन और पैरासीटामॉल दोनों का सस्पेंशन होता है, यानी कि दोनों का मिश्रण होता है। दोस्तों, ये दोनों दवाएं नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं के एक वर्ग से संबंधित है। दोस्तों, कॉम्बिफ्लेम सायरप का उपयोग आप शिशुओं और बच्चों में शरीर के तापमान, यानी कि अगर बच्चों को बुखार आ रहा है तो बुखार को कम करने में और दर्द और सूजन को कम करने में आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर बच्चों को लालिमा और सूजन दिखाई दे रही है तो दोस्तों आप इस सायरप का यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों, यदि बच्चों को किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा है तो आप कॉम्बिफ्लेम सायरप का यूज़ कर सकते हो, जिससे कि उनका दर्द तुरंत ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इसी क्रम में हमारी अगली सायरप है आइबुजेसिक प्लस। दोस्तों, आइबुजेसिक प्लस भी दो दवाओं के मिश्रण से बनकर तैयार की गई एक सायरप है, और दोस्तों आपको ऑरेंज फ्लेवर में देखने को मिल जाएगी। और आइबुजेसिक प्लस के अंदर भी दोस्तों आइबुप्रोफेन और पैरासीटामॉल दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। दोस्तों, आइबुजेसिक प्लस के अंदर अगर आप बात करें आइबुप्रोफेन के बारे में, तो इसमें 100 mg और पैरासीटामॉल 162.5 mg में उपलब्ध रहता है, जो कि दोस्तों कॉम्बिफ्लेम सायरप के अंदर भी यही डोज रहता है। और इसका उपयोग भी आप किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा है या फिर बच्चों को बुखार आ रही है तो आप इन सायरप का यूज़ कर सकते हो और अपने घर पर इनको रख सकते हो प्राथमिक उपचार के रूप में। दोस्तों, हमारी अगली सायरप है डेफ्लेजागार्ड, जो कि डेफकार्ड नाम से आपको किसी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। दोस्तों, ये मैक्लोड्स कंपनी द्वारा बनाई जाती है। दोस्तों, इसके यूज़ अगर हम देख लें तो दोस्तों डेफकार्ड सायरप ऑटो इम्यून स्थितियों जैसे कि सोरासिस, रोमेटाइड, गठिया, एक्जिमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस आदि में राहत देता है। इन स्थितियों में आप इसका उपयोग कर सकते हो। और यदि आपके बच्चों को सूजन, दर्द, खुजली और अन्य किसी प्रकार की एलर्जी नज़र आ रही है तो आप इस सायरप का यूज़ करके उनका प्राथमिक उपचार कर सकते हो, और इससे काफ़ी हद तक एलर्जी की समस्या खत्म हो जाती है। और ख़ास करके दोस्तों लंग्स में अगर एलर्जी है तो आप इस सायरप का यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों, बात हम एलर्जी की कर रहे हैं तो हमारी अगली सायरप आ जाती है फ्लेक्सोफ्लाडिल, यानी कि दोस्तों एलेग्रा। ये आपको एलेग्रा नाम से किसी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। इसके अंदर ड्रग आता है फ्लेक्सोफेनाडिल। सोनोफी की तरफ से दोस्तों ये बनाई जाती है। और इसके यूजेस अगर हम देख लें तो दोस्तों एलेग्रा सायरप आप फीवर और एलर्जी के लक्षणों जैसे कि बहती नाक, छींक, खुजली, आंखों से पानी आना, नाक में खुजली या गले में खुजली, हाथों पर दाने उभर आना जैसी एलर्जी की कंडीशन में आप इसका उपयोग कर सकते हो। और दोस्तों एलेग्रा सायरप एक घंटे में काम करना शुरू कर देता है। और अगर बच्चों को ज़्यादा छींकें आ रही है और सर्दी है तो आप एलेग्रा सायरप का यूज़ सर्दी और खांसी में भी कर सकते हो। और दोस्तों यह सायरप बहती नाक, भरी हुई नाक, खुजली या पानी, आंखों से पित्त, त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली और एलर्जी जैसे अन्य लक्षणों में भी काम आ जाती है। इसलिए दोस्तों एलेग्रा सायरप आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी प्रकार की एलर्जिक कंडीशन में आप एलेग्रा का यूज़ कर सकते हो और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है दोस्तों इसका, तुरंत आपको यह राहत दे देती है। दोस्तों अगली सायरप है हमारी प्रेडनिसोलोन, यानी कि ओमनाकार्डिल। दोस्तों प्रेडनिसोलोन ड्रग आता है ओमनाकार्डिल सायरप के अंदर, और ये मैक्लोड्स कंपनी द्वारा बनाई जाती है। आपको किसी मेडिकल स्टोर पर ओमनाकार्डिल के नाम से यह सायरप मिल जाएगी। दोस्तों यह भी एलर्जी की कंडीशन में काफ़ी अच्छा काम करती है। और इसके यूज़ अगर हम देख लें ओमनाकार्डिल के, ओमनाकार्डिल सायरप दोस्तों एक प्रकार का स्टेराइड दवा है। यह बच्चों में एलर्जी, सूजन की स्थिति, ऑटोइम्यून विकार, हार्मोन्स विकार और यहाँ तक कि कैंसर का इलाज करने में भी मदद करता है। दोस्तों ओमनाकार्डिल सायरप का उपयोग आप खांसी, सांस लेने में कठिनाई, अस्थमा जैसे लक्षणों में भी कर सकते हो। इसमें भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और खांसी लंबे समय से आ रही है तो आप ओमनाकार्डिल सायरप दे सकते हो, जिससे कि खांसी भी तुरंत ही बंद हो जाती है और दोस्तों काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है खांसी में भी इसका। अगर किसी भी प्रकार की एलर्जी है या फिर एलर्जी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप ओमनाकार्डिल सायरप का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद अगली सायरप आ जाती है हमारी टसिन डीएमआर। दोस्तों टसिन डीएमआर सायरप एक कफ सायरप है और कफ के लिए काफ़ी अच्छी सायरप है। इसके अंदर दोस्तों अगर हम ड्रग्स देखें तो इसके अंदर डेक्सामेथाफेन, सेट्रिजिन, फिनाइलेफ्रिन, एम्ब्रोक्सोल जैसे ड्रग्स आते हैं। और दोस्तों इसके यूजेज अगर हम देखें
तो दोस्तों टैसिन डीएमआर सायरप एक कॉम्बिनेशन दवा है। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें कई प्रकार के अलग अलग ड्रग्स हैं जो कि दोस्तों खांसी के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यह सायरप एलर्जी के लक्षणों जैसे कि छींक आना, नाक बहना, आँखों से पानी आना, खुजली, सूजन जैसे लक्षणों में राहत देता है। और दोस्तों यह बलगम को पतला और ढीला करता है जिससे कि जमा हुआ कफ आसानी से बाहर निकल जाता है। दोस्तों यदि लंबे समय से आपके बच्चों को खांसी आ रही है या फिर कफ जमा हुआ है तो आप इस सायरप का यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और लंबे समय से चल रही खांसी तुरंत ही बंद हो जाती है। दोस्तों ये थी कुछ ऐसे सायरप जिनका उपयोग आप अपने घर पर कर सकते हो और काफ़ी अच्छी रिजल्टेड सायरप है ये और आम तौर पर ज़्यादातर इन्हीं का यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। दोस्तों आप देख रहे थे मेडिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आनंद, मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।